Now we solve the exercise 6.2. In this exercise, question number 1 is that figure is given. In the question, figure given है. We have to find out the value of x and y. हमें यहाँ पर x और y की value find out करनी है. First we will find out y. हम y को find out करेंगे. हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल होंगी. पैरेलल होंगी, फर्स्ट वी फाइंड आउट द x एंड y. फर्स्ट वी फाइंड आउट y. y इक्वल्स टू 130. कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सी मैंने बताया था y एंड 130 आर वर्टिकली अपोजिट. y और 130 कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. हमने मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो y 130 हो गया. अब देखो ये लाइन है तो x प्लस 50 दे आर लीनियर पेयर. तो सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल इज 180. तो हम लिखेंगे x प्लस 50 इक्वल्स टू 180. रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? 180. फाइंड आउट करेंगे x 180 माइनस 50 x इक्वल्स टू 130. y इज आल्सो 130 एंड x इज 130. So, therefore, x equals to y equals to 130 degree. So, क्या हुआ? They are alternate interior angles. X and y are alternate. X and y are alternate interior angle. X और y कैसे हैं? Alternate interior angle. और they are equal. X and y alternate interior angles. जब alternate एंगल इक्वल होते हैं, हमने कल पढ़ाया था थ्योरम, when the alternate interior angles are equal, if a transversal intersect two lines, अगर एक transversal दो लाइन को intersect करता है और alternate interior angle इक्वल होते हैं, then the lines are parallel. तो लाइन कैसी होती हैं? Parallel. Therefore, we can say AB parallel to CD. हमें यही प्रूव करना था. Now question number 2. In the question number 2, figure is given. In which AB parallel to CD, हमें given है AB parallel to CD, CD parallel to EF. AB CD के parallel और CD EF के parallel. तो हमने बताया था if a line parallel to the given line are parallel to each other. अगर दो line है, एक तीसरी line के parallel है दोनों, तो वो दोनों आपस में भी parallel होंगी. Therefore AB parallel to CD parallel to EF. And by ratio z equals to 3:7, we have to find out x. Question में given है कि by और z का ratio कितना है? 3:7. तो हमें क्या find out करना है? हमें x find out करना है. अब देखो x plus y equals to 180. x प्लस वाई इक्वल टू 180 ए बी सी डी के पैरेलल है. तो ये कैसे हो गए? को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स. और हमें पता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180. को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ x इक्वल टू जेड हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल टू एंगल z. अब हम इस लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे. हमें पता है ए बी सी डी और ई एफ आपस में तीनों पैरेलल हैं,
पैरेलल है। अगर हम ए बी और ई एफ को लें केवल, तो हम कहें ए बी ई एफ के पैरेलल इस लाइन को हटा दें तो एक्स इक्वल टू जेड, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्स इक्वल टू जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। That is equation 2. Now from 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, z, तो z plus y equals to 180, ठीक है, that is 3. अब हमें y और z का रेशियो पता है, हम मान लें let y बी थ्री ए एन जेड बी सेवन, हमने मान लिया एंगल बाई थ्री ए और एंगल जेड सेवन ए है, तो क्या हो जाएगा, थ्री ए प्लस सेवन जेड ए, सॉरी सेवन ए प्लस थ्री ए, जेड सेवन ए इक्वल्स टू 180, टेन ए इक्वल्स टू 180, a इक्वल्स टू 180 अपॉन 10, तो a कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया, a हमारा आ गया 18 डिग्री। अब देखो एंगल x एंगल z के इक्वल है, किसके इक्वल है, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 7a इक्वल टू 7 इंटू 18, वन ट्वेंटी, तो एक्स कितना आया 126 डिग्री। हमें एंगल एक्स ही फाइंड आउट करना था। यू डूइंग नो होमवर्क ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट PQ parallel to ST, हमें गिवन है, क्या गिवन है, PQ parallel to ST, एंगल PQR, एंगल PQR equals to 110 degree, this one, एंगल RST, एंगल RST गिवन है हमें 130 डिग्री, एंगल आर एस टी 130, बी एफ टू फाइंड आउट एंगल क्यू आर एस, हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, पॉइंट आर से हम एक लाइन ड्रॉ करें एस टी के पैरेलल, हमने जो कंस्ट्रक्शन कर दिया आर एक्स, हम लिखेंगे ड्रॉ आर एक्स पैरेलल टू एस टी, दिस इज वन एंड दिस इज टू, पी क्यू इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी एंड आर एक्स इज ऑल्सो पैरेलल टू एस टी। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ए गिवन लाइन, अगर दो लाइन है गिवन लाइन के पैरेलल हैं, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, therefore we can say PQ parallel to ST parallel to RX, ये तीनों parallel हो गए। Now हम कहेंगे angle QRX equals to angle PQR, जब PQ parallel to RX है तो angle QRX, QRX ये और पी क्यू आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर, मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्यू आर एक्स इक्वल टू पी क्यू आर दिया हुआ हमारे अंदर 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम ये देखें कि एस टी पैरेलल टू आर एक्स, एस टी एंड आर एक्स
आर पैरेलल टू ईच अदर, एस टी और आर एस पैरेलल टू ईच अदर है, इसलिए एंगल आर एस आर एक्स, एस आर एक्स दिस एंगल इक्वल्स टू प्लस एंगल आर एस थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। नाउ सी ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे 180 होंगे क्योंकि एस थ्री पैरेलल टू पीएक्स, ये एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो कल हमने बताया था द एंगल एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड द इंटीरियर आर कॉल्ड द कोइंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे एंगल एस आर एक्स प्लस आर एस टी इज 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम फाइंड आउट करेंगे एंगल एस आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल एस आर एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री। हमारे पास एंगल एस आर एक्स आ गया 50 डिग्री, इसको मान लेंगे हम 4। अब देखो फ्रॉम 3 क्यू आर एक्स क्या है 110, एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री। क्यू आर एक्स ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना है 110 है, तो क्यू आर एक्स को हम लिख सकते हैं क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स क्यू आर एक्स, इस पूरे एंगल को लिख सकते हैं ये एंगल ये प्लस ये एंगल, यानी क्यू आर एस प्लस एस आर एक्स। क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, एस आर एक्स हमने फाइंड आउट किया कितना है 50 इक्वल्स टू 110, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 110 माइनस 50 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें एंगल क्यू आर एस ही फाइंड आउट करना है।